तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या आर्थिक पैकेज मिले। तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए बहुत से राज्य हैं लाइन में, जिनकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो भी मांग रहा है। हमको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का हड़बड़ी में दिया हुआ बयान है, अभी दो चार पाँच दिन और बजट का इंतजार कर लेते तो और अच्छा होता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी और अब ये बैठक समाप्त हो गया है। तमाम नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब इस बैठक से बाहर निकल गए हैं। आपको बता दें, इस बैठक में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चर्चाएं हुई कि आखिर अगली रणनीति क्या होगी। इसके साथ ही तमाम जो क्षेत्र के, बिहार के क्षेत्र के काम है उसको कैसे पूरे करनी है, विरोधियों को यानी कि विपक्ष को सदन में कैसे जवाब देना है, तमाम ऐसे मुद्दे थे, उस पर चर्चाएँ हुई। लेकिन वही अब जदयू ने अपने बयानों से पलटी मार लिया है विशेष राज्य दर्जे को लेकर। जिस तरह से केंद्र सरकार ने बिहार को झटका दिया है, इसके बाद अब जदयू के मंत्री, नेता, तमाम जो MLA हैं, MLC हैं, तमाम लोग अपने बयानों से पलट रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और जदयू कोटे के जो विधायक हैं, MLC हैं, उनके पहले आप बयानों को सुने। दल और विधानमंडल दल की क्या कुछ बातें इस मीटिंग में हुई है? जनरली एक हर एक हम लोगों का जब भी सेशन चलता है, जब भी सत्र चलता है, सत्र चलने के समय एक औपचारिक विधायक दल की बैठक हर पार्टी अपने अपने स्तर पर करती है और हम लोगों के यहाँ भी हर बार होता है ये। और माननीय नेता ने लोगों से आग्रह किया है कि आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्र पर अपना नज़र रखिए, क्षेत्र में लोग घूमते रहिए, अपने जो विकास के कार्य हैं उसको देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए। इसलिए उन सब बातों की चर्चा हुई और मुस्तैदी से विधानसभा विधानमंडल दल को फेस करना है, अपनी बातों को मजबूती से रखना है। देखिए, ये नहीं, एक गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष राज्य के दर्जे में जो सुविधा है वैसा पैकेज। विशेष राज्य का दर्जा तब होता है जहां पर 90-10 का, 90 भारत सरकार 10 राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है योजनाओं में। और विशेष पैकेज जब आता है तो आर्थिक सहायता मिलती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या आर्थिक पैकेज मिले, तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए बहुत से राज्य हैं लाइन में, जिनकी अपनी अपनी स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो भी मांग रहा है। तो अब नीति आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे में बात किया, लेकिन हमने कहा है कि नीति आयोग में 3 मेंबर हमारे यहाँ हैं, भविष्य में बिहार सरकार के लिए नीति आयोग में क्या चेंजेस किया जा सकता है उस पर भी चर्चा होगी। और जब तक नीति आयोग में चेंजेस नहीं हो तब तक हमें विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। लालू जी ने कहा है कि नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नहीं दिलवा पाए स्पेशल स्टेटस आज। हमको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का हड़बड़ी में दिया हुआ बयान है, अभी दो चार पाँच दिन और बजट का इंतजार कर लेते तो और अच्छा होता है। हमारे नेता का निर्देश हुआ कि आप लोग क्षेत्र में जो भी काम रह गया हो उस काम को आप लेटर लिख कर दें, डिपार्टमेंटल दें, वो काम पूरा होगा। और हमारे तमाम जो भी हम लोग थे, विधायक, मंत्री, सब लोग थे, अपनी भी बात को हम लोग रखे कि बिहार के अंदर विकास हुआ, बिहार के अंदर हर समाज का विकास, क्षेत्र का विकास, सौहार्द। तो नेता का लास्ट का निर्णय यही था कि क्षेत्र में कहीं भी छूट गया हो काम, छोटा हो बड़ा हो काम, उस काम को आप बताएं, लेटर लिखकर दें, वो काम पूरा होगा। बिहार किसी भी कोने में कोई काम छूटा हो किसी भी विधायक के क्षेत्र में, काम पूरा होगा। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं, बस काम की बात थी, जो काम अधूरा उसको पूरा किया गया, तो खारिज कर दिया है, उस पे कुछ चर्चा नहीं हुआ। जी बस नॉर्मल जो होता है, जो प्रक्रिया है, ये तो पारंपरिक चलता आया है हर बार से। हर बार विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरुआत होता है तो सभी अपने विधायक दल की बैठक करते हैं, ये तो पारंपरिक चीज है। पर विशेष राज्य के दर्जे को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है, पर क्या हुआ? खारिज नहीं किया है, विशेष पैकेज की जो बात है, जो आवश्यकता है वो आवश्यकता अनुसार बिहार को सब कुछ मिलेगा। इस बात को लेकर भी कोई चर्चा हुई बैठक में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर? जो चीज आपस में तय है उसमें फिर चर्चा नहीं, लेकिन हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है, भाजपा के विधायक है, कि अगर कोई तोप मांग देगा तो तोप थोड़ी मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा को लेकर। देखिए क्या आप लोगों ने बड़ी मांग कर दी जो होना ही नहीं, क्या बयान, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब किन्होंने क्या कहा ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन
जो मांगा जाएगा बिहार के विकास के लिए वो सब कुछ मिला जाएगा, मिल रहा है। के विकास के लिए हम लोग किसी भी हद पे जा सकते हैं, और एनडीए की जो सरकार है केंद्र में, उसने ये माना है कि बिहार का विकास होगा, बिहार विकसित होगा, और कल जो बजट आ रहा है हम लोगों को उम्मीद है कि बिहार के लिए ज़रूर कोई स्पेशल पैकेज आएगा और बिहार के लोग तरक्की करेंगे। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ ये बात कही है कि हमें 13 करोड़ लोगों की तरक्की चाहिए, बिहार की तरक्की चाहिए, और इसी पर बात आगे बढ़ेगी। विशेष राज के दर्जे के बाद से तो पीछे हट रहे हैं ना? नहीं नहीं, पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, और वो किसी भी तरह हो सकती है तरक्की। मान लीजिए कि कोई टेक्निकल वजह है ऐसी कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो स्पेशल पैकेज, विशेष पैकेज देने में कोई हर्ज नहीं है। और खुशी की बात यह है कि केंद्र सरकार इस बात के लिए सहमत है कि बिहार की तरक्की होगी, और माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी की बात सुनी गई। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो विशेष राज का पैकेज नहीं ले पा रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से। देखिए, श्री लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार की तरक्की के बारे में कभी सीरियस नहीं हुए, और उनको ये हक भी नहीं है कि बिहार के स्पेशल स्टेट के बारे में या विशेष पैकेज के बारे में बात करें। उनको बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि बिहार की संपत्ति, बिहार की दौलत और लोगों की जायदाद लूट करके उन्होंने अपने परिवार को जो लगाया, उसका जवाब कब देंगे? उनको क्या हक है? जिस नीतीश कुमार जी ने अपनी पूरी 19 साल की ज़िंदगी और पूरा पॉलिटिकल करियर बिहार की तरक्की के लिए लगा दिया, उनसे वो सवाल नहीं कर सकते, और ये हक नहीं बनता। तो आपने साफ तौर पर सुना, खालिद अनवर हो, अशोक चौधरी हो, चाहे इसके साथ जमा खां हो, तमाम लोग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए स्पेशल स्टेटस की हमने मांग नहीं की थी, लेकिन स्पेशल स्टेटस की तरफ तर्ज पे हमको स्पेशल पैकेज ही मिलना चाहिए बिहार के विकास के लिए। वहीं बैठक को लेकर कहते जा रहे हैं कि क्षेत्र के बचे हुए कामों को कैसे पूरा करना है, विधायक अपने लेटर पैड पर लिख कर दे कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ कमियां हैं, क्या काम अधूरा है, उन सभी चीज़ों को जल्द से करवाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी को टास्क दिया है और कहा है कि अपने क्षेत्र को लेकर आप काम लिख कर हमें दीजिए, काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बहरहाल इसको इतना ही, इसे तमाम खुलकर मैं समझने रहे हैं, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।